हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें पहले बनाना होगा पिज़्ज़ा बेस। तो चलो शुरू करते हैं। ये मैंने आधा बाउल मैदा लिया है, बड़ा साइज का बाउल है ये। और ये मैंने दही लिया है आधा बाउल, और ये 3 टीस्पून मैंने ऑयल लिया है, और ये 1 टेबल स्पून मैंने शुगर लिया है, और ये बेकिंग पाउडर लिया है मैंने, और ये बेकिंग सोडा है, अजवाइन है, और ये डो लगाने के लिए हमें पानी चाहिएगा। ये मैंने डो के लिए मैदा ले लिया है बड़ी परात के अंदर, और ये मैदा हमने इस तरीके से बीच में हॉल कर लिया है। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, ये ऑयल डाल दिया मैंने इसके अंदर इस तरीके से। मैं ऑयल के बाद में इसमें 1 टीस्पून मैंने शुगर डाल दिए, देखिए शुगर डाल चुकी हूँ इसमें। और ये मैंने दही डाल दिया आधी कटोरी, और ये मैं अब इसके अंदर दही डालने के बाद में इस स्वाद अनुसार नमक डाल दिया मैंने इसमें, और बेकिंग पाउडर भी डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं इसमें देखिए बेकिंग सोडा भी डालूँगी, अभी मैंने इसमें बेकिंग सोडा भी डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर आपको दिखा रही हूँ अजवाइन डालने वाली हूँ, ये मैंने अजवाइन डाल दी इसके अंदर, और इसको इस तरीके से इसमें टेस्ट अच्छा बन जाता है अजवाइन डाल। इसको हम इस तरीके से पानी डाल के डो तैयार करेंगे, धीरे धीरे हम इसमें पानी डालेंगे, और इस तरीके से हम इसको देखिए अपने हाथ से गोंद रहे हैं, डो की तैयारी कर रहे हैं, और ये हमारा डो तैयार हो रहा है आपके सामने उस तरीके से। मैं ये देखिए हमारा डो लगभग परात से बिल्कुल उठ गया, खाली हो गया है, परात चिपचिपा नहीं है, ये हमारा डो तैयार हो चुका है। और मैं इस डो को इस तरीके से तेल लगा के रेस्ट के लिए रख दूँगी कम से कम आधे घंटे के लिए, गर्मी का टाइम है। ये देखिए हमारा डो रेस्ट के बाद इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए फूल गया है, ये देखिए ऊपर आ रहा है, हमारा डो अच्छा हो गया है। मैं इसके छोटे छोटे गोले बना लूँगी डो बनाने के, हम पिज़्ज़ा बेस के लिए। ये डो तोड़ लेती हूँ मैं, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर लेती हूँ ऐसे। अब मैं इसको थोड़ी देर हाथ से दबा के और बेस बनाती हूँ, फिर बेलन से इसे बेलूँगी मैं। इस तरीके से मैं दबा लेती हूँ, और ये बेलन से मैं इस बेस को बना लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल गोल गोल जैसा भी आपसे बने, बिल्कुल राउंड में गोल गोल, बड़ा छोटा जो भी साइज़ आपके घर में पसंद करें। और ये इस तरीके से मैं फोक की मदद से इसमें देखिए इस तरीके से निशान कर रही हूँ, ये देखिए इससे क्या है डो फूलेगा नहीं, और हमारा बेस अच्छा तैयार हो जाएगा पिज़्ज़ा का। अभी मैंने तवा गरम कर लिया है, अब इस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है, और फिर अब मैं गैस इसकी जो फ्लेम है वो बंद कर दूँगी, और इस पर ये बेस डाल दूँगी पिज़्ज़ा का। ये देखिए मैंने डाल दिया इसके ऊपर ये बेस, और ये बटर पेपर लगा हुआ है, इससे आपका बेस जलेगा नहीं और अच्छा सीखेगा। मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया है, और इसको उतार के देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कुछ देर के लिए 2 मिनट के लिए दोबारा ढक्कन लगाया है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पिज़्ज़ा का बेस कैसा दिख रहा है। ये देखिए ये लगभग सा फूलना हुआ सा आपको दिखाई देगा, मैं पलट के दिखाती हूँ। ये हमारा पीछे से हल्का ब्राउन सा हो गया, सिक गया है ये, और ये हमारा बेस तैयार है। अब हम इसको उतार लिए हैं, और इस तरीके से मैंने सारे बेस बना के रखे। हमारा पिज़्ज़ा बेस बन के रेडी है, अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। टमाटर को 2 पीस में काट लिया है इस तरीके से। अब मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, लहसुन को चॉप कर लिया है, प्याज को भी मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। ये मैंने आप देखिए इसमें पैन में थोड़ा सा तेल डाला है 2 चम्मच के आसपास, और अब इस तेल को हम गर्म होने देंगे। अब मैं इसके अंदर देखिए थोड़ी देर में 2-4 मिनट में ये गर्म हो जाएगा। अब मैंने इसमें लहसुन का एक डाल के देखा, गर्म हो चुका है, मैं इसमें लहसुन डाल दी हूँ चॉप किए हुए हमारे, अब इन्हें गर्म होने दे रही हूँ कुछ देर के लिए। अब ये देखिए सारे लहसुन मैंने इसमें डाल दिए हैं, और ये ब्राउन होने वाले हैं लहसुन हल्के। अब मैं इसके अंदर प्याज डालने वाली हूँ, ये प्याज डाल दी मैंने इसमें। अब मैंने इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और मैं इसे हिला रही हूँ। अब देखिए थोड़ी देर में ये
इस तरीके से हमारा इसका प्याज का लहसुन का कलर आ गया है। और ये मैं इसमें अब टमाटर रखने जा रही हूँ। इस तरीके से मैंने सारे टमाटर जमा दिए हैं और ये देखिए, ये मैं सारे टमाटर इस तरीके से दो पीस में करे हुए हैं, उनको सबको उल्टा इस तरीके से रख देती हूँ। ये देखिए आप, मैं सारे जमाने जा रही हूँ सारे टमाटर। बोलो, ये टमाटर हमने इस तरीके से 2 मिनट बाद में, अब देखिए पक गए, अब इनके छिलके सॉफ्ट हो गए। ये मैं इस तरीके से और पका लूँगी इनको, और इस तरीके से दबा दबा के इनको मैश करूँगी। अब मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और अब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, और थोड़ी देर और पकाऊंगी। ये हमारा कलर इस तरीके से आ गया है। आप चाहे तो इसमें छिलके हटा सकते हैं, आप चाहे तो इसमें छिलके रहने दे सकते हैं। मैंने सारे छिलके इसमें से निकाल दिए हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी कि सारे छिलके मैंने कैसे हटा के रख दिए हैं एक साइड में। ये हमारा इस तरीके से कलर आ गया है इसके अंदर, और मैं इसको देखिए दबा दबा के आपको बता रही हूँ। ये हमारे अब ये छिलके मैंने उतार लिए थे जो हैं, और ये इस तरीके से हम थोड़ी देर इसे और गलाएंगे। ये इस तरीके से हमारी टमाटर की ये गल गई है, और मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। ये देखिए मैं चीनी डाल रही हूँ, और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैं इसके अंदर अब टमाटो केचप डाल रही हूँ। ये देखिए, और ये मैं कुछ देर के लिए और पकाऊँ। देखिए इसका कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है, और ये मैं देखिए अब थोड़ी देर में आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। एक को ग्लाइंड करूंगी और बिना ग्लाइंड का दोनों दिखाऊंगी तरीके का आपको सॉस। ये पहला वाला देखिए बिना ग्लाइंड किया हुआ है, और दूसरे वाली कटोरी में मैंने ग्लाइंड करके रखा। हमने पिज़्ज़ा सॉस बना लिया है, पिज़्ज़ा बेस बना लिया, और अब हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा टॉपिंग्स के लिए। जो सब्जियाँ ली है उसमें लिए मैंने टमाटर, शिमला मिर्च, और ये सॉस है, और ये प्याज, और ये शिमला मिर्च कलर्ड है दोनों रेड और ग्रीन, और ये बेबी कॉर्न है, और ये बेस है, और ये मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, ये चीज़ लिए है मैंने। अब मैं आपको देखिए कढ़ाई में डाल के दिखाती हूँ। इनको हल्का सा सोटे करना है, हमें हल्के सॉफ्ट करनी है सब्जियों को, सारी को, वेज को, सबको। और थोड़ा सा ऑयल डाल के, नमक डाल के मैंने इनको सोटे कर लिया है इस तरीके से ये, और हम निकाल देंगे इन्हें 2 मिनट में बाहर। ये देखिए सॉफ्ट हो गई हैं। अब ये बेस ले लिया मैंने, और इस पर मैंने ये सॉस लगा दिया पिज़्ज़ा का, और मैं अब सारी वेज को भी इस पर लगा के दिखाऊंगी आपको। ये सॉस लगा रही हूँ मैं इस तरीके से, ये सॉस लगा दिया मैंने पूरे बेस पे, एकदम टेस्टी डिलीशियस सॉस है हमारा। अब ये मैं चीज़ इसके ऊपर क्रश करूँगी, देखिए गार्निश कर रही हूँ मैं इस पर। ये इस तरीके से मैंने थोड़ी चीज़ क्रश कर दी, इस पर गार्निश कर दी, और आप चाहें तो और चीज़ डाल। इस तरीके से मैंने पूरी सब्जियां डाल के और ये पिज़्ज़ा का बेस बना दिया। अब इसे ओवन में रख रही हूँ मैं, 2 मिनट के बाद हमारा इस तरीके से रेडी हो चुका है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।